धन्यवाद। और सारे त्यौहार हो गए, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आज का दिन संडे का रेस्ट, तो 5-5, 6-6 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी आदमी भी छुट्टी काट के अपने घर वा लिया। गांवों में बहुत पब्लिक जा रही थी, आज पूरी भीड़ लग रही। चलो ठीक रहा कि दिल्ली के शहर के लोग गांव में गए, अपने घरों पर तीज त्यौहार पर जाना चाहिए सबको। अब काम की भी बात कर लें कुछ। एक तो कल की 8 तारीख की जो घटना हरियाणा में हुई थी, उसके लिए 8 तारीख की मीटिंग रख रखी हासी कलेक्ट्रेट SSP ऑफिस पे, SP ऑफिस पे। तो वहाँ पे कल जाएंगे, 12 बजे तक पहुँच जाएंगे हम भी। तो सभी लोग उसे ये हैं कि जो भी लोग वहाँ पे जा सकते हो तो भी लोग वहाँ पे पहुँचे। और पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें निगाह रखे कि वहाँ पे क्या वो होगा, तो वहाँ से जो भी कॉल होगी उस पर ध्यान रखना है कल। और दूसरा ये है, क्योंकि बड़ी घटना थी वहाँ की हरियाणा वाली, चोट लगी, गाड़ी का शीशा अगर टूट गया किसी का तो उस पर 307 तक की धाराएं लग रही, और जो आदमी मरा हुआ आ रहा उस पर कोई धारा नहीं लग रही। ये तो एक किस्म से गुंडागर्दी हो रही पूरे हरियाणा में, तो इसके लिए पंचायत होगी कल वहाँ पे। और अपनी 22 तारीख की भी मीटिंग लखनऊ में है, नवंबर में, वो बीच में कैंसिल हो गई थी, 22 नवंबर की रखी। तो उसमें बड़ी तैयारी के साथ में सब लोगों को उसकी तैयारी करनी, 10-11 तारीख के बाद में उसकी तैयारी करनी सब लोगों को, जितने भी उत्तर प्रदेश में कई मंडल में, जो खास करके बरेली से लगा के और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये जितने भी आसपास के मंडल है, गोरखपुर, फैजाबाद, तो इनमें बड़ी तैयारी सब लोगों को करनी है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ वहाँ से ही आएगी। इधर से भी पंचायतें यहाँ पे भी होंगे, तो 10-11 दिन अपनी छोटी बड़ी मीटिंग करनी, उसमें सारे पदाधिकारी जो पहले थे अब हैं, किसी को पद नहीं मिला वो भी है, तो सब जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पे कैसे चलना, स्थान का चयन वहाँ पे करना है अभी 2-3 दिन में, तो उसकी भी हम तैयारी करें। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा पूरा, सरकार को टाइम दे रहा, क्या भाई बात करनी हो तो बात कर लो, क्यों हमारा भी खर्चा करवा रहे। 26 तारीख को नहीं करते तो 27 तारीख को हम बताएंगे, सारे हमारे टेंट वगैरह सब फट गए भाई, ये सब ये देखो, तो सब चेंज होंगे तो बता देंगे कितने टेंट चाहिए, कितनी चादर चाहिए, कितनी ये ग्रीन वाली ये चाहिएगी, कितने पर्दे ये चाहिएंगे, बांस चाहिएंगे, रस्सी चाहेंगी, क्या क्या और सामान चाहेगा, तो वो बता देंगे। 27 तारीख से बताना शुरू करेंगे और यहाँ पे फिर रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा, क्योंकि आगे 6 महीने की फिर तैयारी करेंगे। सरकार कितना दिन में मानेगी, कितने में नहीं मानने, तो आने वाला टाइम बताओगा। और भी बहुत ये आ रहे, खरीद हो नहीं रही धान की, यही हाल बाजरे का है, यही हाल मक्का का है, तो सारी चीज़ों का यही हाल है, तो उसकी भी तैयारी आप अपने मंडियों में जाकर करें, खरीद करवावे, अधिकारी से बातचीत करें। कल 8 तारीख की एक मीटिंग लखनऊ में भी है अधिकारियों के साथ में, पहले भी हुई थी। तो जो धान खरीद वाले लोग हैं, वे गन्ने के भुगतान का इसका, तो वे लोग भी अधिकारी से मीटिंग अपनी करेंगे जो लखनऊ में होगी। अपना जो लक्ष्य बता गया था उस पर काम हो रहा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों पर भी सब अपना ध्यान दे रहे। यहाँ पे अपना चल रहा है भाई, यहाँ पे भी अपना त्यौहार मना लिया, सरकारी लोग भी अपना घरों को वापसी आ गए, तो अपना आने का प्रोग्राम यहाँ पे सिलसिलेवार अपना बनाते रहो, जैसे पहले रूटीन में चल रहे थे काम, 5-5, 6-6 दिन के लिए आते रहे, 5-6 दिन के बाद में दूसरी शिफ्ट आ जा, फिर दूसरी आ जा, फिर ऐसे आ जा। अपने खेत का काम भी करो, गन्ने की छिलाई भी शुरू होगी, शुगर मिल चालू हो गए, उन पर भी अपना ध्यान दो, अपने पशुओं पर भी ध्यान दो। और सर्दी आती जाती
कट है सर्दी, उस पर भी ध्यान दो, कपड़े का भी ध्यान रखना अपना, और बस अपना काम करो बस। सब लोग सरकार तो आर पार की होनी है, जब सरकार तो आर पार की लिया कोली सरकार की भर रखी पूरी, जब सरकार बात करेगी भाई हम भी कर लेंगे बात, अभी तो नहीं आ रही बातचीत करने। 22 जनवरी के बाद बातचीत नहीं करी सरकार ने, बैठे हैं ना, डरने की जरूरत ना घबराने की जरूरत ना हताश होने की जरूरत। ठीक चल रहा काम अपना, खेत खलिहान का काम देखो, और ज्यादा मीडिया में जो उनकी खबर आवे ज्यादा सच भी ना मानिए उनकी बात। वे 3 महीने पिछले 11 महीने से यही कहू जाके टेंट पट गए, उस साल कोई इतनी बात कहती। तो जो काम काम की चीज हो वो अपना सीख लो, और तो अपना उन्हें भी अपना काम चलाना बात कह के। यहाँ से कोई कुछ नहीं पट रहा, यहाँ तो सब अपना ठीक है। अपना झंडे बदलेंगे और अपनी कन्नात बदलेंगे 26 तारीख के बाद में, 5-6 दिन तो और इंतजार करेंगे इनका, 10-15 दिन, और बस अपना काम करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और जय किसान क्रांति गेट। जितने भी बॉर्डर हैं उन सब की जय, सभी स्थानों की जय। ये तीर्थ स्थान है, जो शहीद परिवार हुए उनके परिवारों को दुखद घटना है भाई, दीपावली वे ठीक से नहीं मना पाए, तो होली दिवाली ये सारे तीज त्यौहार अपने घर परिवार में लोग सुख शांति रहें, अपनी फसलों का रेट ठीक मिले, खेती खलिहान ठीक रहे, पशु ठीक रहें, बस यही सब लोगों का वो है। धन्यवाद।